बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन का देगी कोरमा। ये रेसिपी बेसिकली मेरे दिल के बेइंतहा करीब है क्योंकि ये मेरी मरहूम नानी ने मुझे सिखाई और इसके अंदर जो भी मेजरमेंट है मसालों का वो सब उनका बताया हुआ है। इसके लिए 750 ग्राम्स मैंने चिकन ली है और 3 मीडियम साइज़ के अनियंस हैं जिन्हें मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। इसके लिए हमने 3/4 कप घी लिया है। इसका असल मज़ा जो देगी कोरमे का है वो घी से ही निकलता है। ऑयल में भी आप बना सकते हैं लेकिन फिर इसके अंदर वो मज़ा नहीं रहेगा जो अक्सर बाज़ार में मिलने वाले कोरमे में होता है। इसके अंदर 1 कप योगर्ट जाएगा यानी कि दही। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून हीपफुल गार्लिक पेस्ट और साथ में जाएगा रूहे केवड़ा। मसालों में हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून जैसा कि आप पसंद करें सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, ये हाथ में लेके दिखाती हूँ, ये 1/4 जो है ये एक नटमेग है यानी कि जायफल, और ये जावित्री का आधा फूल है जो मैंने लिया है, ये जावित्री का आधा फूल है। ये दोनों चीज़ें जो हैं मैंने ले ली थी और मैंने इस वक्त जो है इनको पीस के यहाँ पर आप सबके दिखाने के लिए रखा है। ये मैंने लिया हुआ है लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ये पिसा हुआ पोर्शन यूज़ करूँगी। उसके अलावा मैंने इसके अंदर सैफ्रन यूज़ की है। सैफ्रन के सिर्फ 4 से 5 स्ट्रिंग जो हैं वो मैंने जायफल और जावित्री के साथ जो है वो पाउडर कर लिए हैं, पीस लिए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा छोटी इलायची और बड़ी इलायची का पाउडर। मैंने आपको ये सिर्फ मेजरमेंट के लिए दिखाने के लिए रखी हैं, ऑलरेडी मैं इन्हें पीस चुकी हूँ। 2 बड़ी इलायचियाँ और 3 छोटी इलायचियाँ हैं जिन्हें मैंने पीस के यहाँ रखा है, ये भी मैं वापस डाल दूंगी, सिर्फ मेजरमेंट के लिए आपको दिखाने के लिए रखा है मैंने। उसके अलावा इसके अंदर 7 से 8 क्लोव्स हैं यानी लौंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर हैं यानी कि काले मिर्चे साबुत, और 3 ग्रीन कार्डमम्स हैं यानी कि छोटी इलायचियाँ। अपने पैन को गर्म करके हम सबसे पहले इसके अंदर घी ऐड करेंगे। अब हम सबसे पहले घी गरम करेंगे और घी गरम होने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे लाल करने के लिए। घी गरम हो गया है, इसके अंदर हम अनियन ऐड करेंगे। और अब हम अनियन को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, लेकिन हमें इन्हें बहुत तेज ब्राउन नहीं करना, हमें इन्हें मुस्तकिल चमचा चलाते हुए बिल्कुल इवनली लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अनियंस हमारी बिल्कुल ब्राउन होने वाली हैं, इस वक्त झाग बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल होने वाली हैं, हल्की लाइट ब्राउन हो गई हैं। जैसे ही थोड़ी मीडियम ब्राउन होंगी मैं इन्हें निकाल लूँगी और एक प्लेट के ऊपर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं इसको ड्राई मिल्क के अंदर, ब्लेंडर की ड्राई मिल्क के अंदर डाल के और फिर इसको बारीक जो है वो पीस लूँगी, लेकिन मुझे इसे दानेदार पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, वरना तो फिर कोरमे का जो ग्रेवी है वो दानेदार नहीं बनेगी जैसे कि बाज़ार में होती है। ये देखिए ब्राउन हो गई है, बस अब मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि मैं जितनी देर में इसे निकालूँगी इतनी देर के अंदर ये और थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो जाएगी। ये देखिए मैंने सारी प्याज निकाल ली है और ये बस मीडियम ब्राउन है, मैंने इसे बहुत डार्क ब्राउन नहीं होने दिया। अब मैं इसे ड्राई मिल्क के अंदर ग्राइंड कर लूँगी और फिर मैं ग्राइंड करके हम इसके अंदर ऑयल में डालेंगे लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। हम इस चिकन को इस गार्लिक पेस्ट के साथ ही
तेज़ आंच के ऊपर भूनेंगे ताकि इसका तमाम पानी रिलीज हो जाए और इसके अंदर जो बिसांद होती है वो ख़त्म हो जाए और चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर ले। दो मिनट के लिए हम इसके ऊपर ढकना ढाँक देंगे ताकि चिकन का पानी रिलीज हो जाए सारा, और आंच हम दरमियानी कर देंगे। दो मिनट के बाद हम इसको अच्छे से भून के इसमें मसाले ऐड करेंगे। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हमारे मसाले जाएंगे। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून। इसके अंदर मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि मेरे हिसाब से ये मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप कम खाने वालों में से हैं तो आप जो है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर के साथ 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च जो है उसे ऐड कर सकते हैं। उससे इसका कलर इसी तरीके से रेड रहेगा लेकिन इसके अंदर जो मिर्चों की तेज़ी है वो कम हो जाएगी। अब इसके अंदर जाएगा साबुत गरम मसाला, अच्छे से हम मसाले को भूनेंगे और उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे और साथ में हम दही ऐड कर देंगे और फिर हम इसे दम पे गलने के लिए छोड़ देंगे। मसाला हमारा भुन गया है अच्छे से, मैंने इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून पानी का ऐड कर दिया है और अब ये जो हमने प्याज पीसी थी ग्राइंडर में हम इसे ऐड कर देंगे। इसी से हमारी ग्रेवी जो है वो वैसी ही दानेदार बनेगी जैसे कि बाजार के कोरमे की होती है। एक मिनट के लिए हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। आप अभी से आपको दिखा दूं, देखिए सेम वैसी ही ग्रेवी है इसकी जैसे कि बाजार के कोरमे में होती है, लेकिन अभी इसमें दही डालना बाकी है। दही डालने से ये और ज्यादा खुश रंग और खुश जायका हो जाएगा। दही ऐड करेंगे। नॉर्मल मसालों के, नॉर्मल सालन के मुकाबले में इसके मसाले के अंदर दही ज़्यादा जाता है। ये 750 ग्राम चिकन है, इसके लिए मैंने 1 कप योगर्ट यूज़ किया है। अगर ये 1 किलो चिकन होता तो मैं 1.25 कप योगर्ट यूज़ करती। इसी तरीके से आप रेशो बढ़ाते जा सकते हैं। मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढकना लगाकर दरमियानी आंच के ऊपर तब तक पकाऊंगी तब तक के चिकन गल नहीं जाती और ये दही का सारा पानी भुनने के बाद इसमें ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर नहीं आ जाता। अब हम ठीक 10 से 12 मिनट के बाद इसे खोल के और चिकन को चेक कर लेंगे। चिकन में दही का पानी बिल्कुल भुन गया है और चिकन जो है वो हमारी तकरीबन बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर अब हमें सिर्फ उतना पानी डालना है जितना हमें थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर रखनी है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये देखिए कितना दानेदार इसका जो है वो ग्रेवी है इसकी, या इसका मसाला कितना दानेदार है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार खुशबू है इसके अंदर। अब इसके अंदर छोटी और बड़ी इलायची का पाउडर डाल के और हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब केवड़ा एसेंस या रूहे केवड़ा, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं। अच्छे से एक दफा इसे मिक्स करेंगे और इसके अंदर बहुत ही शानदार खुशबू उठनी शुरू हो गई है। बहुत ही जबरदस्त अरोमा है इसका। आई विश कि मैं आपको अरोमा भी इसका आप तक पहुंचा सकती।
अब इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 टेबलस्पून वाटर ऐड करूंगी, क्योंकि इसके अंदर बाकायदा शोरबा नहीं होता, सिर्फ थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी की तरीके से मसाला होता है। 2-3 मिनट हम इसे और दम पे रखेंगे और उसके बाद हमारा मज़ेदार देगी कोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमारा मज़ेदार देगी चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार बना है। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा एक फेसबुक पेज भी है उसे लाइक कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।